हेलो गाइस, तो यार कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस यार फिर से आ गए हैं कार फॉर सेल की नई वीडियो लेकर। और गाइस यार जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली वाली वीडियो में हमने खरीदी थी पोर्स, और यार हमने मतलब वीडियो के बाद में मैंने एक पोर्स खरीदी थी और उसको मैंने बेच के मतलब 2-3 पोर्स खरीद कर उसको बेच कर मैंने $5 लाख कमा लिए हैं। और तो अब जो है हम गाड़ी का इंतज़ार करेंगे फरारी वरारी का। अभी जो अपनी पोर्स यहाँ पे लगी हुई है इससे हम ड्रैग रेस भी करेंगे अगर फरारी अपने को नहीं मिली तो, इसलिए मैं इसको नहीं बेचने जा रहा अभी। तो जल्दी चलते हैं, आज कार मार्केट ओपन है तो कार मार्केट पर चलता हूँ जल्दी से। अभी तक नहीं है यार, शायद से अभी नहीं है कार मार्केट ओपन। तो एक बार नेवरवुड जो है घूम कर आते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर कोई फरारी वरारी अच्छी सी कार दिखी तो उसको बाय करेंगे और फिर जो अपना बिजनेस पहले की तरह ही चल जाएगा। मतलब हाँ पहले से अच्छा खासा चल रहा है अब तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो है हम काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक पहुँच चुके हैं। और भाई यहाँ मेरे को एक कार दिखी, शायद से इलेक्ट्रिक है। हाँ गाइज यार ये कोई सी इलेक्ट्रिक कार है, टेस्ला। इसमें गाइज यार अलग अलग नाम है, तो ये जो है टेस्ला है। इसमें बाद में देखूंगा, डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। एक बार नेवरवुड में सारे को घूम कर आता हूँ। तो गाइज़ यार हम आ चुके हैं नेवरवुड के दूसरे साइड पर। और गाइज़ ये वाली कार जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट दे देती है शायद से। नहीं ये वो कार नहीं है, मेरे को देखने में इसका इंटीरियर कुछ उसकी तरह ही लग रहा था। मेरे को नाम नहीं पता, पर पहली बार जोन सी यार हमने बैट में हारी थी। वैसे बैट में हमने जीती भी थी पर हार गए थे हम। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो अभी जो है हम ड्रैग रेस के लिए चलेंगे। वैसे यार इसको लेऊँ क्या, मुझे अच्छी लग रही है, थोड़े बहुत पैसे कमवा सकती है। पर नहीं यार घटिया कार है ये काफ़ी ज़्यादा। अभी जो है अपने पास 5 लाख रुपए हैं, तो हम लोग जो है अभी नेक्स्ट लेवल का जो बिजनेस है वो करने वाले हैं। इन छोटे मोटे कारों से अपना कुछ नहीं होने वाला। तो गाइज यार अभी मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस पर और ये खड़ी अपनी पोर्स, जो कि यार हमने पहली वाली वीडियो में बताया था कि हमने कैसे कैसे खरीदी। जल्दी से इसको साफ़ कर लेता हूँ एक बार। ये सड़क के साइड में यार काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई। तो यार पहली वाली वीडियो में मैंने इसको अपग्रेड अपग्रेड नहीं करवाया था, इसमें अब हम करवाने वाले हैं इस पर पेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा था, किसी लोगों ने यार कमेंट वमेंट नहीं किया, तो हम लोग जो है खुद ही से ही इसके ऊपर पेंट करने जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको हम देखते हैं कौन सा पेंट इस पे अच्छा लगेगा, वही पेंट हम इसके ऊपर करवा देंगे। तो इसको जल्दी से लेकर चलता हूँ जहाँ पर पेंट होता है ऑटो पेंट, और यहाँ पर करवाते हैं इस पे पेंट। तो गाइस यार येलो कलर इस पे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो येलो कलर ही करवा देता हूँ। और इस पर थोड़ी सी पॉलिश करवा देता हूँ, इसको मेटलिक थोड़ा बहुत करवा देते हैं ताकि ज़्यादा शाइनिंग आए। हाँ थोड़ा और करते हैं, इतना काफ़ी है। तो भाई लोग आप देख सकते हो अब जो है अपनी पोर्स अब लग रही है। हाँ भाई ये पोर्स है, मतलब पहले भी पोर्स ही थी। तो अभी जो है कमेंट करके बता देना कि जो कलर है आपको वो कैसा लग रहा है। अरे भाई मैंने ज़्यादा पीछे ले ली, बस इसको यहीं पे हम रोक देंगे। और अभी जो है इसको देखते हैं इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या होनी है। भाई इसमें सब कुछ है, इसमें रेट किट अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसकी नंबर प्लेट ये तो सब इसका अच्छा खासा है। अभी जल्दी है चलते हैं ड्रैग रेस के लिए, शायद आज ड्रैग रेस हो। आज तो ऑक्शन भी है यार 11 बजे, मैंने ऑक्शन जो है मिस कर दिए। एक बार जाकर देखता हूँ वहाँ पे कौन कौन सी कार जो थी आई हुई थी। अब तो यार अपने को नहीं मिलने वाली वो कार, पर कोई बात नहीं, एक बार जाकर देखेंगे। ऑक्शन यार शायद से इधर ही है। हाँ ये रे भाई अभी सारे ऑक्शन जो है वो नहीं खुले हैं, तो जल्दी से जाता हूँ। अगर कोई अच्छी सी कार इसमें दिखेगी तो उसको बाय कर लेंगे, शायद अब तक मुझसे कोई बढ़िया सी कार मिस ना हुई हो। हाँ तो यार अभी एक अपनी BMW थी और एक ये टेस्ला है, ये अपने को अभी नहीं लेनी। अगर कोई सी लग्जरी कार आएगी तो वो हम लोग लेंगे। अभी भाई चलने दो बैट, वैसे इसकी अच्छी खासी बैट चल रही है। तो भाई यार नेक्स्ट कार भी अपनी यार बेकार ही आई है, ये मेरे को ज़्यादा खास नहीं लग रही। इसको भी हटने दो, ये भी अपने को नहीं लेनी। भाई यार जल्दी करो इसको, इस पर यार इतनी ज़्यादा बैट कौन लगा रहा है। मतलब एक बार हम पहली वाली कार तो सोचते भी। अब यार कमेंट करके बता दो कि मैं अपनी पोर्सा बेचूं या फिर नहीं। अगर मेरे को फरारी मिल गई इस वाली वीडियो में तो मैं पोर्सा बेच दूंगा। तो यार भाई अब मेरे को ऑक्शन में नहीं रुकना यार, ऑक्शन में टेम्पो वगैरह आ रहे हैं।
भाई देखते हैं आज जो है ड्रैग रेस में कौन कौन सी कार आई हुई है। जल्दी से चलता हूँ, ड्रैग रेस जहाँ पर होती है वहाँ पर। भाई यार आप लोग देख ही रहे होंगे इसका साउंड कितना ज़्यादा क्रेजी है, और येलो रंग यार इस पर सूट हो रहा है एक नंबर का। तो गाइज यार यहाँ पे आई हुई तो है छोटी मोटी कार आई है शायद से। अपनी गाड़ी को करते हैं बंद और जल्दी से जाकर देखते हैं ये कौन सी कार है। भाई यार ये तो, चलो कोई नहीं, से रेस करता हूँ। वैसे मेरे को रेस में टेस्ट भी करनी है, मैंने अब तक ये रेस में टेस्ट भी नहीं करी। और भाई आ गए हम एयरपोर्ट पर, जहाँ पर अपनी रेस होती है हर बार की तरह। अब पहले हमने मस्टैंग से करी थी, मस्टैंग से सीधा हम पोर्स पर आ गए हैं। अब देखते हैं इस वाली कार से क्या होगा। तो अब जल्दी से करता हूँ अपना इंजन स्टार्ट, गियर अप, और इसको लेकर चलते हैं यहाँ पर। इसको रोक देता हूँ बस, और अभी जो है इसको सीधा लगा लेते हैं। तो यार अपनी जो रेस है वो स्टार्ट हो गई है, अभी जो हम अच्छी खासी आगे हैं। तो अपना बूस्टर दे देता हूँ, उसने भी जो है अपना बूस्टर दे दिया है। और भाई मैं गियर अप करना भूल गया था भाई, इसको तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह तो नहीं हराया, मतलब ठीक ठाक तरह हरा दिया। तो भाई यार यहाँ पे आ गई है एक दूसरी कार, जैसे मैं रेस करता हूँ तो कार बदल जाती है। ये ऑडी Q7 है, चलो इससे भी रेस करते हैं। वैसे आज जो है अपनी कमाई कहीं से हो नहीं रही, तो इस वजह से हम जल्दी से करेंगे इनसे रेस। और आ गए हैं फिर से हम एयरपोर्ट पर, जहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी होगी रेस। और यार अपनी पोर्सा इससे भी काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रही है, तो कोई बात नहीं, जीतने हम ही वाले हैं। पर यार कुछ भी पता नहीं लगता। इंजन स्टार्ट, डायरेक्शन चेंज, गियर अप, और इसको लेकर चलते हैं आगे। अगर यार इस सफ़ेद पट्टी से गाड़ी आगे चली गई तो मैं हार जाऊंगा बिना रेस करे ही। 3, 2, 1 तो भाई अपनी जो रेस है स्टार्ट हो गई है, और हमने जो है काफ़ी लेट जो है शुरू किया था। अभी जो है उसने बूस्टर दे दिया अपना, हमने भी दे दिया। और भाई इसको तो काफ़ी बुरी तरह आ रहा है। चलो वैसे इसमें इतने पैसे भी नहीं मिले अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी जल्दी से ऑफिस पर चलूँगा। और यार मेरे को ऑफिस भी अपग्रेड करना है, तो बता देना अगली वाली वीडियो में ऑफिस अपग्रेड मैं कैसा करूँ, कमेंट करके जल्दी से बता देना, मतलब किस तरह का उसे बनाऊँ। अभी पोर्ट्स को लेकर चलते हैं ऑफिस पर। तो यार यहाँ से शायद से लेफ्ट को ही जाने में फ़ायदा रहेगा। तो यार यहाँ पे बार है, इस बार के बार से गाड़ी को भेज दूंगा मैं पार्किंग पर। यहाँ से इसका करते हैं बंद, इसको भेज देता हूँ मैं पार्किंग पर, और बस पकड़ कर चलूँगा, क्योंकि बस से जो है यार जल्दी पहुँच जाता हूँ मैं वहाँ पे अपने जो है ऑफिस पर। और गाइज यार अपनी पोर्सा वो खड़ी, अपना जो मतलब यहाँ पे असिस्टेंस है वो काम कर रहा है। एक बार पोर्सा को साफ करते हैं। आज यार बंद कैसे है कार मार्केट जो आज बंद है। अब देखना गाइज यार कैसी चमकेगी अपनी कार। और राइट गाइज, कार को कर दिया हमने अच्छे से साफ। तो यार अभी जो है मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि यार जल्दी से इस दिन को हटाएंगे और अगले दिन फिर से शायद से कार मार्केट खुल जाए। तो अगले दिन मिलता हूँ कार मार्केट में सीधा। हाँ तो गाइज यार आज जो है कार मार्केट जो है ओपन है, तो जल्दी से पहले से मैं कार मार्केट में जाता हूँ। वहाँ पे अपने को फरारी या फिर लैम्बो दिखेगी तो उसको ख़रीद लेंगे हम। भाई नहीं यार यहाँ पे कोई भी कार नहीं आई हुई है अभी, मुझे लगता है मुझे कोई छोटी मोटी कार ही खरीदनी होगी, और इनसे ही जो है अपने पैसे बढ़ाने होंगे। यहाँ पे तो यार कोई भी कार नहीं दिख रही, ये वाली कुछ अच्छी सी दिख रही है, पता नहीं कौन सी है। इसको चलो बार्गेन करके इसको हम ले जाते हैं। 68,000 डॉलर में ले रहा है, तो इसको मैं 55 में कह कर देखता हूँ, शायद 55 में दे दे। वैसे डैमेज भी है थोड़ी बहुत, रीपेंट भी है, शायद मिल जाए। हाँ तो गाइज यार ये जो है अपने को मिल गई, इसको जो है पार्किंग स्लॉट में भिजवा देता हूँ। और ये वाली कार देखता हूँ ये कौन सी है, ये ODS5 है, ये भी अच्छी कार है, पर यार ये तो काफ़ी ज़्यादा मंदी है। हाँ मतलब मैं पहले ख़रीदता था इसको, अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो गए। ये वाली देखते हैं एक बार, BMW है ये कोई सी, ये भी नहीं यार। यार ये अच्छी कार क्यों नहीं आ रही, लैम्बो वगैरह चाहिए अपने को, ऑक्शन भी नहीं है आज, तो नेवरवुड घूम कर आता हूँ एक बार।
नया वाला रूट पे चलते हैं जल्दी से, और यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे कोई कार है या फिर यहाँ पे भी ऐसे ही है। और यार फिर अपने को जो है घर वगैरह भी खरीदने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि नया रोड में अपना घर खरीद लूँ, क्योंकि पास में से ही अपनी गाड़ी वाड़ी खरीदते रहेंगे। यार यहाँ पे तो कोई भी कार नहीं आई हुई शायद से, यहाँ पे कोई भी नहीं है। दूसरी साइड जाकर देखते हैं। राइट गाइज, तो हम आ चुके हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे एक ये वाली कार खड़ी हुई है, और ये यार एक SUV है जिसने कि पिछली बार अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया था। मैं बाद में देखूंगा इसको, पहले देखता हूँ कि कोई यहाँ पे सुपरा वगैरह भी आई हुई है क्या। शायद से मस्टैंक आई हुई है यहाँ पे, मस्टैंक को खरीद लेंगे। हाँ तो भाई कितने की दे रहा है तू तो मस्टैंक को? इसे 46 की दे रहा है तू, तो तू मुझको इसको 35 में दे दे, क्योंकि भाई यार 30 में ही खरीदते थे हम मस्टैंक। वैसे डैमेज नहीं है हाँ, पर यार इतने की तो है नहीं यार, ये इतने में नहीं दे रहा, तो इसको हम 39 में देकर देखते हैं। तो चलो अपनी कोई गाड़ी जो है मिल गई है, अब इसको भी मैं, पर ये डैमेज नहीं है ना, पर मैं भेजूंगा अभी कहाँ पर। तो एक अपनी, अरे भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया क्या तगड़े वाला? हाँ यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, हमको क्या ही मतलब उससे। यहाँ पे भी एक अपनी जो कार है वो आई हुई है, ये तो यार वही है टेस्ला की, इसको नहीं लेंगे। अभी जल्दी से बस पकड़ कर हम जाते हैं ऑफिस। नहीं, अभी एक ये SUV भी है ना, इसको भी तो लेना है। ये कितने की दे रही है? ये शायद से वही हो, हाँ ये वही है, ये 60-70 हज़ार की चली जाती है। इसको मैं बार्गेन करता हूँ, 15 हज़ार में दे दे तू मेरे को। ये इसने भाई पिछली बार अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो करवा दिया था। अरे भाई 15 हज़ार में नहीं दे रही, फिर हम इस कार को क्यों लेंगे? तो यार 4 लाख रुपये अपने पास अब भी है, कार मार्केट प्लेस जो है वो ओपन है। जल्दी है चलते हैं ऑफिस पर। ऑलराइट गाइस, तो यार हम आ चुके हैं अपने ऑफिस पर, और दो कार हमने खरीदी थी उनको जो है हम रिपेयर पर लगा देते हैं। दोनों कार अच्छी खासी है, जो कि अपने को 1 लाख का प्रॉफिट आराम से दे देगी। लगा दे भाई यार तू जो। नहीं यार मतलब क्या, अरे हाँ ये डैमेज नहीं थी ना, चलो तो उसको तो लगाते हैं इतने। अरे कहाँ टक गया भाई, इस गेम में ग्लिच जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चल तो इसको लगा, मैं एक बार देखता हूँ कि ये रिपेंट होनी है क्या ये वाली कार मस्टैंक। नहीं ये पेंट नहीं होनी है, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, इसको पेंट हम करेंगे भी नहीं, इसको बस थोड़ी बहुत मॉडिफाइड करवा देंगे ताकि अच्छे खासे रेट जो है वो दे दे। आवाज़ इसकी अच्छी खासी आ रही है। चलो तो भाई इसको लेकर चलते हैं यहाँ पे ऑटो रिपेयर पर, रिपेयर पर नहीं मॉडिफिकेशन कराएंगे यहाँ से इसको। हाँ तो ये थोड़ी बहुत रह रही है, चलो तो इसको हमने करा दिया है। अभी इसको ऑफिस पर ले जाता हूँ और इसको सेल पर लगाता हूँ। अभी भाई इस पर हमने ड्रिफ्ट किट भी लगा दी है, अपनी पोर्सा जो काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रही है, फिर पोर्सा को लेकर चलेंगे हम रेस के लिए। अभी यार अपने को जगह भी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिएगा। मैंने देखा था कि जगह ख़रीदने के लिए पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहता है। तो इसको मैं लाया था $40,000 की भाई, $40,000 की लाया था क्या मैं इसको यार? चलो तो कोई नहीं, इसको हम 70 की लगा देंगे। हाँ तो इसको लगा दिया है, जब तक इसके कस्टमर आएंगे एक बार मैं उस वाली को, नहीं वो अभी तक रिपेयर नहीं हुई है, तो इसको साफ़ कर लेते हैं। इतने गंदी हो रही है काफ़ी बुरी तरह यार, नया रोड वाले जो है ना कारों की इज्जत ही नहीं करते माड़ी उसी भी, मतलब थोड़ी सी भी। हाँ यार मैं गांव से हूँ तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज में हो जाता है, एडजस्ट कर लेना। तो अपनी वो वाली कार भी जो है रिपेयर हो गई है, जल्दी से चलते हैं। तो यार हमारे पास 2 स्किल पॉइंट जो है वो हो चुके हैं। अभी जो है मैं देखता हूँ कि कौन सा मुझे बाया करना है। एक बार देखते हैं, इसको पेंट वगैरह भी होना है क्या? हाँ इसको पेंट भी होना है, इसको पेंट भी कराएंगे, फिर अपग्रेड भी कराएंगे। इसकी आवाज़ अच्छी खासी लग रही है,
तो इसको जल्दी से मैं कराता हूँ। अरे भाई यहाँ पे तो एक कार खड़ी हुई है, तो जल्दी से इसको पहले अपग्रेड करवा लेते हैं, उसके बाद इसको हम पेंट करा लेंगे। हाँ तो यार ले आए हम इसे पेंट वाली दुकान पर, और यहाँ से भाई लगा इसको तो रिपेयर करा, पेंट वाली दुकान पर कह रहा हूँ, रिपेयर होती है ना यहाँ से। तो यार वो भी जो है अपनी पेंट वाली दुकान भी खाली हो गई है, उस पे लेकर चलता हूँ इसे सीधा ऐसे ही उल्टी। चल चल बस तू इधर ही रुक जा, अभी मैं एक बार इससे बात कर लूँ। तो इसको हम यही रंग अच्छा लग रहा है, पॉलिश करवा देते हैं इसमें, मेटल ही किसी का थोड़ा बहुत ज़्यादा करवा देंगे, बस इतना बहुत है। अभी इसको जो है लेकर चलता हूँ ऑफिस पर, और इसको भी लगाते हैं हम सेल पर। अबे यार मैंने ऑफिस अपना ओपन ही नहीं किया, वरना अब तक तो यार कस्टमर आ भी जाते। मैं यही तो सोचूँ कि कस्टमर क्यों नहीं आ रहे। इसको बंद करते हैं, और पहले करता हूँ एक बार ऑफिस ओपन, फिर जो है इसको लगाएंगे हम सेल पर। इसको मैं लेकर आया था 55 की, इसको हम लगाएंगे 80 की। एक बार इसको साफ कर लेता हूँ, नहीं तो यार कस्टमर फिर बोलते। एक बार रुको मैं अपनी स्किल खोल लेता हूँ साफ करने की। हाँ तो यार अपनी जो स्किल है वो खुल गई है। अभी जो है अपने पास ये आ गया वाइपर, मतलब ये पानी वानी से साफ करता है, ये अच्छा लग रहा है यार देखने में। ये शायद से क्लीन भी उसको अच्छी तरह कर देगा। ले भाई तू भी ना हो, तुम दोनों भी ना हो। चलो तो इसको रखते हैं अंदर, कस्टमर आए हुए हैं, इनसे एक बार बात करता हूँ। ऑफिस ओपन ही है ना? हाँ टोक बता भाई तू कितने के लेना चाहता है इसको? ग्रेट प्राइस भाई, $80 की जा रही है। चलो तो कोई नहीं यार हम दे देंगे, इससे ज़्यादा क्या है अपने को, $80 में चली गई यार यही। भाई मुझे ज़्यादा की लगानी चाहिए थी, वो पहली बार में $80 की चली गई, 53 की जा रही है। एक मिनट रुक, तुम एक बार उससे बात करता हूँ। हाँ बताओ आप कितने की लेना चाहते हो इसको? निकल भाई तू निकल निकल यार, मैं तो तेरे को इज्जत दे रहा हूँ। हाँ आप बताओ भाई साहब आप कितने की लेना चाहते हो इसको? अरे तेरी, ये तो उससे भी ज़्यादा हराम खोर निकला। तो भाई तू ही रख इसको, तेरे को हम दे रहे हैं ये कार। हाँ ड्रिफ्ट किट है इसके अंदर, 53 की तू ले रहा है, 60 की ले जा, 65 की ले ले तो तू 65 की कहकर देखते हैं इसको लेता है या नहीं। नहीं यार 65 की नहीं ले रहा, 60 की दे देंगे। वैसे भी अपनी मस्टैंग अब तक 60 की बिकी है। चले तो गाइस चली गई अपनी एक कार भी। अभी यार कार मार्केट ओपन है, तो एक बार कार मार्केट में जाकर देखता हूँ। पर यार मैं कार मार्केट में आज शायद से गया था। हाँ अपने को यहाँ पे कोई भी कार देखने को नहीं मिली, तो जल्दी से कंटेनर पे चलते हैं और सोते हैं आज, क्योंकि अगर दिन जल्दी से निकालना है तो सोना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो यार आज भी जो है कार मार्केट अपनी ओपन है, तो जल्दी से चलता हूँ कार मार्केट पे, वहाँ शायद से अपने को फरारी वरारी कोई सी कार मिल जाए। ओ भाई आई हुई है एक फरारी, पहले इसको ही देखता हूँ। हाँ यार अपने को फरारी चाहिए थी, बस यार ये अपने को मिल जाए। चलो तो गाइस यार फाइनली अपने पास आ गई है फरारी, इसको मैं लूँगा 350 की दे दे तू मेरे को। चल भाई ये बहुत है इसके हिसाब से, वैसे डैमेज भी नहीं है। चल कोई नहीं, चलो तो यार अपने को मिल गई है फाइनली। गाइस यार हम आ गए हैं फरारी पर, मतलब हमने कितना छोटे से अपना बिजनेस जो है वो शुरू किया था, और अब जो है हम फरारी पर आ गए हैं। तो यार अभी जल्दी से इसको लेकर चलता हूँ एक बार अपने ऑफिस पर, और यार इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब इसके कंट्रोल पोर्शन से भी ज़्यादा स्मूथ है।
भाई फोर्सा इतने में यार ड्रिफ्ट ले जाती थी, शायद से इसमें ड्रिफ्ट किट नहीं है। ड्रिफ्ट किट नहीं है तो अच्छा ही है, स्मूथली चल रही है बहुत ज़्यादा। रेस करूँ क्या इससे अभी? अभी वैसे रेस में कोई कार आई भी नहीं है, नहीं आई हुई नहीं है कोई सी भी। ये सब यार छोटी मोटी कार है, इनसे जो है हम लोग अपनी फरारी की रेस करवा कर उसकी इज्जत नहीं घटाएंगे। तो इसको मैं करा लूँगा एक बार अपग्रेड, और पोर्सा को करवाना होगा हमें, मतलब पोर्सा अब जाएगी यार तो उसको सेल पर लगा दूंगा अभी। तो यार एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या अपग्रेड होने हैं। भाई ये तो ऐसी की ऐसी, इसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ है। तो ठीक है गाइज यार इसको कर दिया अब हमने अपग्रेड। अब गाइज यार आप अभी के अभी कमेंट में बता दो कि इसमें मैं कौन सा कलर करवाने वाला हूँ। वैसे मैं करवा रहा हूँ पर अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं इसका कलर जो है वो बदलवा दूंगा, दूसरा कलर करवा दूंगा इसमें तुरंत। पर अभी एक बार मैं, अरे यार यहाँ पे तो कार खड़ी हुई है, भाई निकल जल्दी से। चलो कार जो है निकल गई है, हमने दो बार हॉर्न दिया कार अपनी चली गई। भाई फरारी जो है सच में यार बहुत ज़्यादा अच्छी कार है। तो इस पर जो है हम करवाने वाले हैं सियान कलर, एक बार देखता हूँ सियान कलर में ये जो है कैसी लगती है। इसको ये वाला पेंट करा देते हैं और पॉलिश करते हैं, पॉलिश नहीं है ये थोड़ी भी। हाँ तो यार अब लग रही है ना ये अच्छी, एक बार इसको ऑफिस पर ले जाकर साफ भी करता हूँ। तो यार आप लोग एक बार देखो कार्ज का जो कलर है वो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसको रखते हैं अंदर। अब देखो गाइस यार मतलब कितनी ज़्यादा प्यारी कार लग रही है ना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम इसको जो है करवाने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड, मतलब इसके टायर वायर भी बदलवाने वाले हैं और इससे हम करेंगे रेस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इस वीडियो में इतना ही।